तालिबान का पूरा का पूरा कब्जा हो गया However, ये डिसाइड नहीं हो पाई है कि आगे में कैसी गवर्नमेंट बनेगी क्या राज्य व्यवस्था खड़ी की जाएगी उसके लिए जो जो, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस समय काबुल में इकट्ठे होने लग रहे हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट और जो चीजों को कॉम्प्लेक्स करने वाला इशू है वो है हक्कानी नेटवर्क का हक्कानी नेटवर्क एक टेररिस्ट

इस बात पर डिस्कस करने के लिए कि अगली नई अफगान गवर्नमेंट कैसे बनेगी उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा किसका क्या रोल रहेगा इन्हीं में एक रेप्रेजेंटेटिव है हक्कानी नेटवर्क के और हक्कानी नेटवर्क पूरे के पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मोस्ट फियर्ड मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप है

हक्कानी नेटवर्क अगर बहुत अच्छी तरह से सिंपलिसिटी में बताया जाए इट एन अफगान गुरिल्ला इंसर्जेंट ग्रुप ठीक है एक टेररिस्ट ग्रुप है अफगान गुरिल्ला वाला शॉर्ट इतिहास ये है कि 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीआईए के द्वारा सपोर्टेड था ये एंटी यूएसएसआर जिहाद के लिए राइट तो यूएसएसआर गवर्नमेंट जो कि उन्नीस में अफगानिस्तान को इन्वेड करके एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उन्होंने एज ए पपेट बिठा दी थी उसके अगेंस्ट यूएसए ने एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था बैकग्राउंड में उस बैकग्राउंड के अंदर उसी रेजिस्टेंस मूवमेंट में से एक था हक्कानी नेटवर्क इसमें इसके जो लीडर थे जलालुद्दीन हक्कानी ये सीआईए के द्वारा सपोर्टेड थे इंडियड जो यूएसए प्रेजिडेंट रोनल रीगन थे उन्होंने कहा था कि जलालुद्दीन हक्कानी इज ए परसोनिफिकेशन ऑफ गुडनेस मतलब कि जो नेटो उस समय जो ये 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 थे उनके अगेंस्ट इनको काफी फायदा था नाइनटीन नाइनटी सिक्स में हक्कानी नेटवर्क ने बेसिकली अपनी एलिजेंस प्लेज कर दी तालिबान के साथ एंड सिंस टू थाउजेंड वन जब से यूएसए और नेटो फोर्सिस ने अफगानिस्तान को कंट्रोल में लिया था तब से ये यूएस लेड नेटो फोर्सिस के अगेंस्ट फाइट कर रहा है द नेटवर्क, नेटवर्क, ये हकानी, ये ये ग्रुप जलालुद्दीन जो आदमी है, इसने फॉर्मेट किया था 1980 में, as a jihad. उस समय ये CIA का, का काफी वैल्यूएल एसेट था United States का valuable, valuable था. डी इसको जो पहले हथियार थे जो इसके फाइटर्स को जो ट्रेनिंग थी वो सबसे पहले यूएसए ने ही करवाई थी अब उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के बाद सोवियत विड्रॉल के बाद जब 1989 में सोवियत यूनियन विड्रॉ कर गया अफगानिस्तान से तब यही जलालुद्दीन हकानी ने कई सारे से जिहादिस्त के तालिबान जो कि अफगानिस्तान को भी टेक ओवर कर लिया था नाइनटीन से तालिबान बेसिकली वही रेजिस्टेंस मूवमेंट थी जिसको यूएसए सपोर्ट करता था यूएसएसआर के अगेंस्ट बट वंस यूएसएसआर विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान यही तालिबान जो मूवमेंट थी इसकी इस्लामिक की जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन थी इन्होंने उसके बाद टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान को 1996 में और इस्टेब्लिश किया इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान 2001 तक चला 2001 में बेसिकली यू एस नेटो फोर्सेस ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान को अंडर द गाइस की अलकायदा ने नेसामा बिल लादेन को वहाँ पर छुपा रखा है और तालिबान ने उस अलकायदा को शह दे रखी है यानी कि हक्कानी नेटवर्क को माना जाए तो इट इज बेसिकली एन ऑफ तालिबान वही दोनों के दोनों के के 1980 में यूएसएसआर अगेंस्ट रेजिस्टेंस से बनकर निकले हैं और कहीं ना कहीं पीछे से यूएसए ने इन्हें सपोर्ट किया था पहले अब ये यूएसए के ही सबसे बड़े दुश्मन है हक्कानी नेटवर्क तालिबान के साथ जुड़ गया था उन्नीस में और उसके बाद तब से लेकर आज तक इट हैज बिन इंक्रीजिंगली इनकॉर्पोरेटेड विंग ऑफ द ग्रुप एवरसिन पूरे अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा खतरनाक मिलिटेंट माने जाते हैं ये इंडीड

तालिबान के पार्ट है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस समय सिराजुद्दीन के पास वो ये दिखाती है कि इसका तालिबान में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है ही इज द लीडर इन चार्ज ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन इन अफगानिस्तान ऑफ तालिबान

एंड अनदर वन इज हिबातुल्ला अखनजादा ये मुला बरादार है ये समझ लीजिए कि जब नया इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनेगा तो प्रेजिडेंट के जो एनालॉजिकल कोई रूप में इसका स्पेस होगा एंड दिस हिबातुल्ला हाईएस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रिलीजियस लीडर लीडर एंड द पॉलिटिकल ऑफ अफगानिस्तान इट विल विल बी बी ही कॉल्ड एज द द ऑफ अफगानिस्तान और उसके बाद इन तीनों का इन तीनों इन दोनों के बाद जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो है हक्कानी नेटवर्क का लीडर सिराजुद्दीन सिराजुद्दीन इज बेसिकली द टॉप लीडर ऑफ हक्कानी नेटवर्क और ये इसके बाद इन तीसरे में इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दीन दो वट द कॉम्प्लेक्सिटीज इज बेसिकली अन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट इस समय यूनाइटेड नेशंस ने इसके ऊपर यूएसए ने दस मिलियन डॉलर का इनाम रखा हुआ है कि जो भी इसको पकड़वाने की कोई इंफॉर्मेशन देगा उसको दस मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा इसने यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस पर नेटो फोर्सेस पर सिविलियंस पर अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में बड़े सारे से सुसाइड अटैक्स कराए हैं 2011 में एक काबुल इंटर होटल पर एक मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ था दैट हक्कानी नेटवर्क वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट दे हैव कैरिड आउट अगेंस्ट अटैक्स अगेंस्ट इवन द इंडियन एंड द यूएस एम्बेसीज इन द काबुल अफगान प्रेजिडेंशियल पैलेस हामिद करजई जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके ऊपर एक असेसिनेशन अटेम्प्ट भी कराया था हक्कानी नेटवर्क ने द अफगान नेशनल इंटेलिजेंस के ऑफिसिस के ऊपर भी इन्होंने अटैक कराए सो दे दे आर फुली फ्लेजेड एकदम टेररिस्ट ग्रुप है अब हक्कानी नेटवर्क की जो इमरजेंसी है एज द स्वॉर्ड आर्म ऑफ द तालिबान स्वॉर्ड आर्म कहने का मतलब है कि तालिबान यूजेस देम एज अ मिलिटेंट आउटफिट एज दी आर्मी बेसिकली उनकी एज एन आर्मी की तरह यूज किया जाता है हक्कानी नेटवर्क अब सवाल यह है कि जो हक्कानीज हैं दे आर ऑलरेडी अलाइंड विद दी अरब इंसर्जेंट्स ग्रुप जैसे कि अलकायदा विच जब जलालुद्दीन ने बनाया था तो उसी समय से कोलेब्रेशन भाई जलालुद्दीन तो ओसामा बिन लादेन के साथ खास दोस्ती था तो वही अरब का वो अल, क्या नाम है अलकायदा ग्रुप के साथ उनके पहले से ही एसोसिएशन है डीपर एसोसिएशन तो अब ये सारे के सारे तालिबान उसके बाद ये हक्कानी नेटवर्क हक्कानी नेटवर्क पहले से ही अलकायदा के साथ एसोसिएटेड है अलकायदा और तालिबान के बीच में क्या नाम है रिलेशन हैज़ बिन सिंस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स तो ये सारे के सारे जो इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप हैं वो सारे के सारे अफ़ग़ानिस्तान में दोबारा से रीजेविनेट हो रहे हैं इस टेकओवर के बाद तालिबान के अफगानिस्तान के टेकओवर के बाद

अनहकानी नेटवर्क का जो लीडर है इट इज एक्चुअली थर्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अफगानिस्तान एट दिस मोमेंट एंड एनी डिले टू दिस इफेक्ट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशन फॉर हकानी जो कि इस समय काबुल पे है अब हकानीज इस समय इस समय सीरियस प्लेयर्स है ठीक है ये नहीं है कि वहां पर उनको जस्ट बिकॉज उनका अग्रीमेंट हो गया है तो इनको कुछ छोड़ दिया जाएगा दे आर बेसिकली सीरियस प्लेयर्स इन दी

नेटो और यूएस फोर्सेज के लिए नाक में दम करके रखा हुआ था दे आर द मोस्ट फियर्ड ग्रुप एंड दिस पर्सन इज द डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑल्सो बट दे कैन नॉट भी इग्नोर्ड दैट इज द काइंड ऑफ पावर दो पीपल प्रोजेस्ट इन दैट देयर ओनली वट इसके आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है वील हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट वीक और एटलीस्ट अ मंथ बट एनी टाइम विल कम विल डेफिनेटली अपडेबाउट इट इफ यू नीड द पी डी एफ ऑफ दिस क्लास दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू शेल ज्वाइन And even if you don't need the PDF of this class, you shall join this Telegram channel for the upcoming notifications of the classes. You can also hit me on any of my social media of your choice. Have a nice day.